आकाशीय बिजली गिरने से दो युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं आष्टा इंदिरा कॉलोनी कन्नौत रोड की घटना, दोनों युवक पानी से बचने के लिए वन विभाग के डिपो के सामने लगे पेड़ के नीचे खड़े थे, तभी अचानक आकाशीय बिजली पेड़ पर गिरी और उसकी चपेट में आने से दोनों युवकों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद दोनों युवकों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों में अंकित पिता आत्माराम जाति बलाई निवासी इंदिरा कॉलोनी उम्र 20 वर्ष बताई गई, तो वहीं दूसरा अनिल मालवी पिता बद्री प्रसाद मालवी उम्र 21 वर्ष जाति बलाई निवासी इंदिरा कॉलोनी, दोनों की मौत आकाशीय बिजली गिरने से हुई है। घटना समय दोपहर 1:50 की बताई जा रही है। स्थान इंदिरा कॉलोनी आष्टा। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार प्रवेश शर्मा की रिपोर्ट। सर ये पीछे हुई है, रेंजर जी के पीछे हुई सर, ये लगभग यहाँ से घर से जा रहे थे, मजदूरी करते थे सर ये, और मजदूरी करने में सर ये इनको किसी ने फोन लगाया कि गाड़ी खाली होने वाली है, तो ये सर वहाँ पर चले गए। वहाँ जाने के बाद जैसे ही वहाँ तक नहीं पहुँचे, एकदम अचानक पानी आ गया, तो ये पेड़ के पास खड़े हो गए और खड़े होने पर अचानक इनके ऊपर एकदम बिजली खड़ी थी और वहीं पर इन दोनों बच्चों का निधन हो गया। इनको एक का नाम अंकित है और एक का नाम सर अनिल है। क्या उम्र क्या होगी सर? अंकित की उम्र है सर 22 केजी और अनिल की उम्र का सर 19 है सर। क्या हो रहा है आपके मध्य प्रदेश में? हर खबर से अपडेट रहने के लिए आदर्श न्यूज चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आप हमें अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर सकते हैं।